सम नंबर वन दिस इज पार्ट थ्री ऑफ चैप्टर नंबर थर्टी थ्री इसमें हमने पढ़ना है कि आरबीसीस बनते किस तरह हैं? और स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोएसिस क्या-क्या हैं ठीक है अच्छा जी अब आरबीसी कहां से बनते हैं वो आप कहेंगे वो तो बोन मैरो से बनते हैं ठीक है अब बोन मैरो ऑफ व्हिच बोन ऑल बोन्स और कुछ स्पेसिफिक बोन्स नंबर 1 एंड नंबर 2 क्या ड्यूरिंग गेस्टेशनल लाइफ तब भी क्या बोन मैरो से ही बनते रहते हैं तो इन सारे सवालों के जवाब इस स्लाइड में ओके okay, अब जैसी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, देन मिडिल ट्राइमेस्टर एंड देन लास्ट मंथ्स ऑफ गेस्टेशन ठीक है फाइनली तो आपको पता है कि बोन मैरो से आरबीसी बनने लग जाएंगे ठीक है जनाब तो जो लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन है ना तो लास्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन तक जाते जाते तो बोन मैरो से बनना शुरू हो जाते हैं मगर क्या शुरू से ही बोन मैरो से बनते हैं नहीं तो अर्ली वीक्स ऑफ गेस्टेशन में आरबीसी बनते हैं योग सेक्स ठीक है और फिर मिडिल ट्राइमेस्टर में जब लिवर स्प्लीन और लिम्फ नोड आहिस्ता आहिस्ता बन जाते हैं तो फिर तब जाके आरबीसी लिवर स्प्लीन और लिम्फ नोड से बन जाते हैं बनना शुरू हो जाते हैं ठीक है और फिर लास्ट मंथ्स ऑफ कहले थर्ड ट्राइमेस्टर तब जाके बोन मैरो से आरबीसी बनना शुरू हो जाते हैं तो स्टार्ट में योग सेल से मिडल ऑफ प्रेगनेंसी में बोन करना बोन मैरो बर्थ क्या सारी लाइफ ही क्या बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स जो है सारी हड्डियां आरबीसी बनाती रहती हैं नो no. सिर्फ पांच साल की उम्र तक बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स कैन मेक आरबीसी ठीक है तो ये सिर्फ पांच साल की उम्र तक सारी हड्डियां बनाती हैं अच्छा उसके बाद फिर फिर कौन बनाता है भाई उसके बाद ऐसे है कि फ्रॉम फाइव इयर्स ऑफ एज टिल ट्वेंटी इयर्स ऑफ एज पांच साल से बीस साल की उम्र तक तमाम मेमब्रेनस बोन्स और प्रोक्सिमल पोर्स ऑफ ह्यूमराई एंड टिबिया यहाँ से आर बनता है पाँच साल की उम्र से बीस साल की उम्र तक कौन बनाता है मेमब्रेनस बोन्स एंड प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमराई एंड टिबिया अच्छा भाई तो फिर बीस साल के बाद कौन बनाता है तो बीस साल के बाद सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन्स ही आर बना सकती हैं यानी कि बोन मैर ऑफ मेम्ब्रेनस बोन्स ही आर बनाते हैं अच्छा जी मेम्ब्रेनस बोन्स कौन सी हैं तो मेमब्रेनस बोन्स है रिब केज वाली तो उसमें एक तो रिब्स आ गई हैं रिब्स पीछे कहां से निकलेंगी वर्टिब्रा से और आगे आके पे लगेंगी स्टर्नम पे तो रिब्स स्टर्नम एंड वर्टिब्राइज आर देंब्रेनस बोन्स ये सारी उम्र आर बनाते रहते हैं ठीक है अप्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ एंड एंटेबिया बीस साल की उम्र तक बनाते रहते हैं ठीक है और अगर सारी बोन्स देखें तो वो सिर्फ पांच साल की उम्र तक आरबीसी uh, बनाते हैं तो अगर हम इन्हें रिवाइज करें क्विकली तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और अर्ली वीक्स ऑफ गेस्टेशन में योग सैक मिडल ट्राइमेस्टर में लिवर स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स एंड ऑफ गेस्टेशन या थर्ड ट्राइमेस्टर में बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स फिर पैदा होने के बाद पांच साल की उम्र तक भी बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स देन वी हैव पांच साल की उम्र से बीस साल की उम्र तक मेम्ब्रेनस बोन्स विच इंक्लूड बॉडी ब्रेस्ट एनमेंट रिब्स वो बनाती हैं एंड अलॉन्ग विद प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ ह्यूमरा एंटिबिया और उसके बाद बीस साल की उम्र से आगे सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन्स ही आर बी सी बोन मैरोनस बोन्स ही आरबीसी बना रहे होते हैं ठीक है तो ये थोड़ा पता चल गया अब जी ये बोन मैरो से आर बी सी किस तरह बनते हैं <coughs> तो ये जितने भी सेल्स हैं ना आर बी सीज हों या डब्ल्यू बी सीज हों या प्लेटलेट्स हों या लिफोसाइट हों ये तमाम सेल्स प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल से ओरिजिनेट होते हैं ठीक है आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट लिंफोसाइट ये तमाम किससे बनते हैं प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोटिक स्टेम सेल <coughs> अच्छा ये क्या है ये एक ऐसा सेल है प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोटिक स्टेम सेल ये ग्रो कर करके आहिस्ता आहिस्ता फिर इन तमाम में डिफरेंशिएट हो जाता है तो इन सेल्स ने ग्रो भी करना है और इन सेल्स ने फर्दर डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंशिएट भी होना है ठीक है अब ये जो है ना आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट जो सारे मैंने एक कलर में हैं ये तमाम किससे बन रहे हैं ये बन रहे हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यानी कि आप ये कॉन्सिडर कर लो कि जैसे कॉलोनी बनानी है आरबीसी डब्ल्यू बी सी और प्लेटलेट्स की और वो कौन बनाएगा जी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सप्लीन ठीक है यानी कि स्टेम सेल कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर कॉलोनी फॉर्मिंग फॉर्मिंग यूनिट यूनिट कॉलोनी फार्मिंग इन तीनों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं अब क्या ये डायरेक्टली इन तीनों के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं या इससे पहले बीच में भी कोई स्टेजेस आती हैं तो यस डेफिनेटली इसके बीच में भी कोई ना कोई स्टेजेस आती हैं और वो बीच की स्टेजेस में क्या होते हैं डिफरेंट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बन जाते हैं ये देखें ये देखें और ये देखें अब ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट प्लेटलेट बनाएगा ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट डब्ल्यू बनाएगा और ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आरबीसी बनाएगा ठीक है अब वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो आरबीसी बनाएगा उन्हें हम कहते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ए ठीक है सो दीज आर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ए ठीक है अब जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट डब्ल्यू बनाएगा उन्हें हम कहते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ग्रेन्यूलोसाइट एंड मोनोसाइट हैं ये एंड है डब्ल्यू बी सी दो तरह के होते हैं एक ग्रैन एक ग्रैनुलर डब्ल्यू हम ग्रेन्यूलोसाइट कहते हैं दूसरे एक ग्रैनुलर होते हैं जिन्हें मोनोसाइट्स कहते हैं ठीक है सो तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैन्यूलोसाइट एंड मोनोसाइट्स तो ये क्या बनाएंगे ये फाइनली डब्ल्यू बना देंगे ठीक है और प्लेटलेट्स कौन से फॉर्मिंग यूनिट बताएंगे ये बनाएंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मैगा फॉर्मिंग यूनिट मैगारियो साइट्स तो ये सिंपल नालकी नालकी है पुलरी पोर्टेंट मेटोपोर्टिक्स टैम सेल्स कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और ये तीन तरह के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट वे प्लेटलेट्स डब्ल्यू बीसी और आरबीसी में कन्वर्ट हो गए तो इस तरह बेसिकली हम आरबीसी पढ़ते हैं बन जाता है ठीक है अब ये लिम्फोसाइट किस तरह बनेंगे तो जिस तरह ये प्लोरीपोटेंट हेमेटोपोटिक स्टेम सेल या आगे इनमें कन्वर्ट हुआ इसी तरह ये प्लोरीपोटेंट हेमेटोपोटिक स्टेम सेल्स लिम्फॉइड स्टेम सेल में कन्वर्ट होगा और लिम्फॉइड ये लिम्फोसाइटॉइड स्टेम सेल तो लिम्फॉइड स्टेम सेल आगे लिफोसाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो ये इसकी सिंपल सी कहानी थी

ठीक है सी एफ यू ब्लास्ट अच्छा अब ये जो सारी चीजें इसमें दो चीजें हो रही हैं नंबर वन एक तो सेल की ग्रोथ हो रही है और दूसरा सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में डिफरेंशिएट हो रहे हैं तो इसके लिए हमें ग्रोथ इंड्यूसर भी चाहिए यानी कि ऐसी कोई चीजें जो ग्रोथ कराएं इस सारे की और डिफ्रेंसीशन इंड्यूसर्स भी चाहिए जो कि डिफ्रेंसीशन से तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफ्रेंशिएशन इंड्यूसर्स इस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं ग्रोथ इंड्यूसर्स में जो गाइड में जो एक मेन फेमस नाम लिखा हुआ है वो इंटरल्यूकिन थ्री का लिखा हुआ ठीक है तो ये सारे प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफ्रेंसीेशन इंड्यूसर्स एंड इंटरल्यूकिन थ्री एज अ ग्रोथ इंड्यूसर ठीक हो गया अब इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो सवाल आता है और जिस सवाल सबसे ज्यादा एम आते हैं वो हैं जी ये वो हैं स्टेजेस ऑफ एरेथरोपोस ठीक है कि रेथरोपोसिस की स्टेजेस क्या क्या हैं यानी कि जो मेच्योर रेड ब्लड सेल है ना उसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट यानी कि एक मेच्योर रेड ब्लड सेल को किस तरह बनता है किन किन स्टेजेस से होकर गुजर के बनता है जाहिर बात है सारी एम स्टेजेस हैं पहले ये बनेगी फिर अगली फिर अगली स्टेज फिर अगली स्टेज फिर अगली स्टेज, फिर अगली स्टेज। करते करते एक मेच्योर आर बी सी बन जाएगा ठीक है और ये सारी स्टेजेस कहाँ पे हो रही हैं ये प्रो ऐ्रोब्लास्ट बेजोफिल पोलिक्रोमैटिक ऑर्थोक्रोमैटिक ये सारी बोन मैरो के अंदर हो रही हैं फिर फाइनली जब रेटिकुलर साइट बनते हैं ना तो ये बोन मैरो से निकल के सर्कुलेशन में आ जाते हैं रेटिकुलोसाइट और फिर थोड़ी देर सर्कुलेशन में एक दिन रहते हैं सर्कुलेशन में रेटिकुलोसाइट और फिर ये रेटिकुलोसाइट मच्योर एरेथरोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी कि मेच्योर आर में कन्वर्ट हो जाते हैं और मेच्योर आरबीसी को हम कहते हैं एरेथरोसाइट तो ये सारे प्रोसेस बोन मैरो के अंदर हो रहे हैं अच्छा जी देख लेते हैं इनकी स्टेजेस कौन सी कौन सी हैं अब इनको याद करने का एक तरीका है ठीक है इसको रट्टा नहीं माना इसको याद करना अच्छा सबसे पहले तो ये सबसे इम स्टेज है फिर थोड़ी सी फिर थोड़ी सी फिर मेच्योर फिर थोड़ी सी मेच्योर फिर और ये फाइनली फुल मच्योर हो गया अच्छा okay. अब फुल मेच्योर जो आरबीसी है ना जो कि साइड है उसमें तीन याद वो हम ऊपर से नीचे तक पूरे करते जाएंगे नंबर जो ना उसमें न्यूक्लियस कोई नहीं होता वो नॉन होता है पहली चीज नंबर टू आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होती है ढेर सारी और न, और नंबर थ्री सॉरी नंबर टू हा हीमोग्लोबिन और नंबर थ्री के आरबीसी के अंदर मेच्योर आरबीसी के अंदर ऑर्गेनल्स ये माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स एबसेंट होते हैं न्यूक्लियस कोई नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम भी कोई नहीं है और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ठीक है ये एक की निशानी है और बिल्कुल जो इमेच्योर पहली स्टेज है हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट का मतलब ही एक इमेच्योर आरबीसी है ठीक है तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इसकी पहली स्टेज है अब इसका मतलब है कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में ये सारी चीजें उल्टी होंगी यानी कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस भी होगा न्यूक्लिएटेड होंगे ये देखो न्यूक्लियस प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट है और ये सारी जो माइटोकोन आइबोशो वगैरह सारे ऑर्गनल्स भी प्रेजेंट है में और प्रोरेथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन कोई नहीं है ठीक है अब ये तो पहली स्टेज थी जिसमें के सारे ऑर्गनल्स पड़े हैं जिस तरह के कोई भी सेल होता है उसमें तो न्यूक्लियस होते हैं बाकी ऑर्गनल्स होते हैं और और क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन नहीं होती जनरल कोई भी सेल लेना ठीक तो ये तो प्रोथ्रोब्लास्ट है अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते हमने क्या कर देना है न्यूक्लियस को छोटा करते करते न्यूक्लियस को हमने गायब कर देना है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते 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 हीमोग्लोबिन को हमने प्रोड्यूस कराना शुरू कर देना है और आहिस्ता आहस्ता हीमोग्लोबिन की क्वान्टिटी भी ज़्यादा कर देनी है और तीसरी चीज़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते हमने ऑर्गेनल्स को भी गायब कर देना है यानी कि ऑर्गेनल्स भी अंदर से ख़त्म हो जाएंगे ठीक है और चौथी चीज़ के जैसे जैसे मेच्योर होता रहता है वैसे वैसे उसका साइज भी छोटा होता रहता है ये देखो इसका साइज है फोर्टीन टू नाइनटीन माइक्रोमीटर फिर थोड़ा कम हो गया ट्वेल्व टू सेवनटीन माइक्रोमीटर फिर ट्वेल टू फिफ्टीन फिर टेन टू फिफ्टीन फिर सेवन टू टेन और ये फाइनली सिक्स टू सेवन पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर है कहां चौदह से उन्नीस कहा उन्नीस माइक्रोमीटर और कहा ये छे सात माइक्रोमीटर ठीक इतना साइज भी छोटा जाता है तो अगर जनरली पूछें क्या चेंजेस होती हैं स्टेजेस ऑफ इथ्रोपोज में आपने कहना है नंबर वन न्यूक्लियस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा ऑर्गेनल्स आहिस्ता आहिस्ते खत्म हो जाएंगे हीमोग्लोबिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी और स, सेल का साइज आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो जाएगा अब यही सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप करते करते हमने नीचे तक आ देना ठीक है अब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियोलाई भी होते हैं ठीक है अच्छा अगली स्टेज में क्या होता है बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में न्यूक्लियस तो होता है मगर न्यूक्लियोलाई नहीं होते अच्छा ठीक हो गया अच्छा ये लफ्स कुछ सुना सुना लग रहा है ये बेजोफिल बेजोफिल से क्या मुराद है आपको स्टेन्स पढ़े हैं ना आपने Staining, staining. तो कलर की होती है ना बेजो बेजो वो बेजोफेल थी ठीक है और वो कौन सा पार्ट होता था वो बेसिकली न्यूक्लियस की स्टेनिंग होती है बेजोफिलिक्सिंग जो ब्लू पर्व स्टेनिंग होती है ठीक है तो अब चूंकि इस स्टेज पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो इसको हमने कह दिया कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है और करता है तो इससे तो स्टेनिंग है है तो हम कहते हैं ठीक असल हमने से सारी चीजें देखी ना अच्छा तो तो ये तो एक हो गया अच्छा दूसरा पॉइंट जो हीमोग्लोबिन है ना हीमोग्लोबिन की स्टेनिंग कौन सी होती है इोसिनोफिलिक विच इज पिंक वन तो इसलिए मैंने हीमोग्लोबिन जहां भी लिखा है वो पिंक में लिखा है न्यूक्लियस जहां भी बनाया वो इट इस कलर में बनाया हुआ लिखा हुआ तो हीमोग्लोबिन की क्या स्टेनिंग होती है योसिनोफिलिक अब इस स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये देखो यहां आप न्यूक्लियस प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन एबसेंट है यानी कि ये वाली स्टेज बेजोफिलिक स्टेनिंग करेगी तो इसे हम बेजोफिल एरेथरोब्लास्ट कहते हैं सिंपल एथोरटा तो लगाने की जरूरत नहीं अब अगली स्टेज में क्या होता है अगली स्टेज में ये होता है कि न्यूक्लियस तो अभी पड़ा है न्यूक्लियस अभी खत्म नहीं हुआ मगर एच बी भी अपीयर होनी शुरू होगी है ज़रा ज्यादा क्वांटिटी में ठीक है अक्सर कहते हैं कि जी एच स्टार्ट ही पोलीक्रोमेटोफिल से हो रही है अक्सर कहते हैं नहीं प्रोएथर में भी हल्की सी एच बी होती है मगर तो बहुत कम होती है नजर नहीं आ रही होती है स्टेन नहीं हो रही होती ठीक है बनना प्रोएथ्रो में शुरू होती है अक्सर कहते हैं कि नहीं जी पॉलीक्रोमेट बनना तो पहले से हो गई थी मगर पहले स्टेन नहीं हो रही थी अब यहाँ जाके हमें प्रॉपर नजर आनी शुरू हो होगी तो गाइड में भी एक जगह पर लिखा हुआ है कि जी प्रोए्रो से हीमोग्लोबिन बनना शुरू होती है और आगे जाके अक्सर बुक्स में लिखा हुआ है कि जी पॉलीक्रोमेटोफिल स्टेज से हीमोग्लोबिन सिंथेसिस प्रॉपर शुरू होती है बट ये है कि प्रॉपर हीमोग्लोबिन नजर हमें स्टेन टोफिल में ही आनी शुरू होगी ठीक है तो यहाँ पे पहली स्टेज में क्या था न्यूक्लियस था न्यूक्लियर लाइफ भी था अगली स्टेज में क्या हुआ न्यूक्लियर लाइफ खत्म हो गया न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और न्यूक्लियस की वजह से हमने कह दिया तीसरी स्टेज में क्या हुआ अब इसमें न्यूक्लियस भी है और जी एच बी भी आ गई है और स्टेन भी हो रही है यानी कि स्टेज में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है और हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है यानी कि ये स्टेनिंग भी करेगी एवरी स्टेज ऑफ और बेजोफिलिक स्टेनिंग भी करेगी जब दो तरह के कलर्स आ रहे होंगे दो तरह के कलर्स का मतलब है पॉली कलर्स आ रहे शुरू होंगे तो ये जो क्रोम लव्ज है क्रोम इज फ्रॉम कलर तो पॉली क्रोम यानी कि पॉली कलर्स नजर आएंगे इसमें इोसेनोफिलक भी और बेजोफिलक भी ठीक हो गया तो एक कलर है न्यूक्लियस के पास कलर एस बी की वजह से तो यह है जी पॉलीक्रोमेटोफिलस्ट ये था बेजोफिलरब्लास्ट ठीक है

तो ये इसमें एक तरह की एक तरह की इसमें सिर्फ कलरिंग हो रही है दैट इज यूस इन फॉर फॉर हीमोग्लोबिन ठीक है अब इस स्टेज में बेसिकली क्या हुआ हीमोग्लोबिन तो थोड़ी सी और बढ़ गई मगर न्यूक्लियस खत्म हो गया अब न्यूक्लियस खत्म किस तरह होता है तो ये तीन लफ्ज आपने याद रखने हैं पिक्नोटिक डीजेनरेशन केरियोलाइसिस एंड केरियोरीसिस पिक्नोटिक डीजनरेशन केरियोलाइसिस एंड केरियोरीसिस पिकनोटिक डीजेनरेशन में क्या होता है वो जी अंदर से न्यूक्लियस श्रिंक होके कंडेंस होके खत्म हो जाता है अच्छा so, केरियोलाइसिस में क्या होता है जी न्यूक्लियस ऐसे स्वेल होकर खत्म हो जाता है ठीक है और फिर केरियोरिसिस में भी जो उसका जो क्रोमैटन है जो कंडेंस हो गया बन गया था उसकी डीजनरेशन होती है तो ये सारे प्रोसेस में तीन तरह की चीजें होती हैं पिक्नोटिक डीजनरेशन में श्रिंकिंग एंड कॉन्डेंसेशन केरियोलाइसिस में स्वेलिंग एंड देन डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियस एंड केरियोरिसिस में डीजनरेशन ऑफ क्रोमैटिन ठीक है तो न्यूक्लियस पूछन जी किस स्टेज में खत्म हो गया है तो आप कहेंगे जोर्फिक क्रोमेटिक एच भी पूछन जी किस स्टेज में वो प्रॉपर उसकी स्टेनिंग नजर आनी शुरू होती है तो जी पॉलिक्रोमेटोफिल स्टेज ठीक है न्यूक्लियोलाई किस स्टेज में एबसेंट हो जाता है बेजोफिलर में ठीक है अब ये तो बेसिकली ये जो तीन स्टेजेस थी ना बीच वाली बेजोफिलर इथ्रोब्लास्ट पोलिक्रोमेटोफिल ऑर्थोक्रोमेटिक इन तीनों को तो याद करना है इस तरह कि बेजोफिल में है न्यूक्लियस ऑर्थो खाली न्यूक्लियस है पॉलीक्रोमेटिक में न्यूक्लियस और हीमोग्लोबिन दोनों है और ऑर्थोक्रोमेटिक में खाली हीमोग्लोबिन यानी कि इसमें खाली न्यूक्लियस इसमें खाली हीमोग्लोबिन और, और हीमोग्लोबिन दोनों तो इस तरह ये तीन तो हमने याद कर ऑर्थोक्रोमेटिक और ये चलो पहली, स्टेज प्रो जी, पहली स्टेज है। अब उसके बाद क्या ऑर्थोक्रोमेटिक के बाद आखिरी दो स्टेज इनके नाम आप अक्सर एरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रोसाइट तो आपको पहली में बता चुका हूं कि मेच्योर स्टेज है अब बीच में जस्ट मेच्योरिटी से पहले एक छोटू इमेच्योर आरबीसी निकल आता है

रेडिकुलर ने में दो से तीन दिन गुजारे बोन मैरो में पूरा सर्कुलेशन में यानी कि ब्लड में एक दिन पूरा रहेगा रेडिकुलर साइड ये जो एम मे छोटू सा आर बी सी है ठीक है अब ये एक और भी यहाँ पे कर्तव्य करेगा वो ये करेगा कि जब ये बोन मैरो में होते हैं ना तब तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और आरबीसी होते हैं मगर जब ये सर्कुलेशन में आता है ना तो ये कहता है अब तो मैं भी सर्कुलेशन में आ गया हूँ मेरे मेच्योर होने का टाइम आ गया है न्यूक्लियस को तो मैंने गायब कर दिया था एच भी मैंने बना लिया बड़ी ठीक ठाक किस्म की अब ये जो मेरे अंदर राइबो राइबोसोम पड़े रह गए हैं ना इसको तो गायब कराओ ना ठीक है तो इनकी छुट्टी करा देता है राइबोसोम और माइटोकोडी को भी खत्म करता है सर्कुलेशन के अंदर आके चौबीस घंटे के अंदर अंदर और चौबीस घंटे जैसे होते हैं तो ये जनाब रेटोक्लोसाइड साहब एरेथरोसाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अब ये एरथरोसाइड आपका मेच्योर रेड ब्लड सेल है और ये आपकी ऑक्सीजन को लंग्स से उठा उठा के भाग भाग के टिश्यूज तक लेके जाता रहेगा तो ये सारी हैं स्टेजेस ऑफ एरेथरोपोसेज इसका एस सी क्यू भी आ जाता है और इसमें से ढेर सारे एन सी क्यूज भी आ जाते हैं बाय बाय